हमने कल एक बात कही, वैसे आपका वो विषय नहीं है। इस देश में जो हमारी तरह से विवाह ना करे उनका विशेष सम्मान होना चाहिए, और विवाह करे तो दो से ज्यादा संतान पैदा करे तो उसको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। ये तो एक राजनीतिक इशू है, राष्ट्रीय इशू है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में जब जनसंख्या कम थी, जब ज्यादा संतान पैदा करने की बात की गई, 10 संतानें तक पैदा करने की बात वेद में की गई है, तो भाई जिनका सामर्थ्य हो और जिनकी आवश्यकता हो कर लेना, और उसमें से एक दो हमको भी दे देना। लेकिन जब अब 125 करोड़ की आबादी हो चुकी है, और याद रखना, माना कि जो है ये वोट के उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को हम चयन करते हैं, लेकिन यदि कोई प्रज्ञावान पुरुष है, यानी स्त्री है, कोई प्रज्ञावान विवेकशील आत्मा है और जागृत आत्मा है, तो एक जागृत आत्मा हजारों लाखों करोड़ों पर भारी पड़ता है। ये भारतीय जानकारी